अस्सलाम वालेकुम किड्स, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यस यू आर फाइन, गुड, ओके। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठहरी ठहरी ठहरी, पहले ये बताइए कि हमने क्या पढ़ा था। जी, हमने अपना चैप्टर 4 आओ अपनी दौलत को पाक करें की रीडिंग की थी लास्ट क्लास में। अच्छा, तो क्या पढ़ा आपने, क्या समझा, थोड़ा सा मुझे पहले बता दें। जी, हमने समझा कि हमने उन लोगों की मदद करनी है जो कि मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं। अच्छा, ये बताइए, किसी गरीब बच्चे के पास किताबें ना हो तो आप उसे किताबें अपनी देंगी या सिर्फ खाना दे देंगे उसको? जी, उसकी जरूरत किताबें हैं तो हम अपनी किताबें या नई किताबें लेकर उस बच्चे को देंगे, ठीक है ना? और किसी को दवाइयों की जरूरत है, बीमार है, तो हम उसे कपड़े देंगे पहनने को? जी नहीं, हम उनकी मेडिसन्स, उनकी दवाइयां उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना? ये तमाम चीजें हमारी माली मदद से ही हो सकती है, ठीक है ना? आइए हम अपने सफ़ा नंबर 14 पे चलते हैं, जो कि है, लिखा है, आइकन है ये छोटा सा, समझिए समझिए। यहां लिखा है, अक्सर जरूरतमंद लोग हाथ नहीं फैलाते, हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि उन्हें दूसरों से मदद मांगने में शर्म आती है। आप कैसे जानेंगे कि कौन ज़कात का मुस्तहिक है और कौन नहीं? यहां पर ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन के साथ एक वर्ड लिंक कर रहा है। आप उस लिंक में से एक ऑप्शन को राइट करेंगे, ठीक है? ज़कात का मुस्तहिक कौन है? पहला है जो कमजोर है, या के जो के सेहतमंद है। इन दोनों ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक को आपने टिक करना है। जी नहीं, मैंने नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना, आपने खुद करना है। ये जो सेहतमंद है या फिर जो कमजोर है, वो ज़कात का मुस्तहिक है। आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है, आपने उस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है हमारा, जो बीमार है, जिनके पास खाने पीने की बहुत सी चीजें हैं, जिनके पास फटे हुए पुराने कपड़े हैं, जिसके पास नए जूते पहने हो, जिसने नए जूते पहने हो, ये है जो स्कूल ना जाते हो, जिनके पास नई नई किताबें हो, और ये लास्ट है जिनके पास किराए तक के पैसे ना हो, ठीक है? ये हमने तमाम चीजें डिस्कस की, यानी हमने
इनमें से जो आपकी ज़कात के हकदार नजर आ रहे हैं उन ऑप्शंस में, उन ब्लॉक्स पे हमने टिक लगाना है। दोबारा पढ़ लें एक दफा, जो कमजोर हो, सेकंड है जो सेहतमंद हो, थर्ड है जो बीमार हो, फोर्थ है जिनके पास खाने पीने की बहुत सी चीजें हों, फिफ्थ है जिनके पास खाने पीने की चीजें कम हो या बिल्कुल ना हो, सिक्स्थ है जिनके पास कपड़े फटे पुराने हो, सेवेंथ है जिसने नए जूते पहने हो, एट ऑप्शन है जो स्कूल भी ना जाते हो, नाइन्थ ऑप्शन है जिनके पास नई नई किताबें हों, और लास्ट हमारा ऑप्शन है जिनके पास किराए तक के पैसे ना हों। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से समझकर उन ऑप्शंस में से जो ज़कात के हकदार हैं उनमें हमने टिक लगाना है। सफा नंबर 15, ये देखिए ये लिखा है मश्क। मश्क जी, आपने इस मश्क यानी इस एक्सरसाइज में मैच करना है आप ये चीजें किन को देंगे, आप ये चीजें किन को देंगे, यानी हमने कुछ चीजों को अपने पास ऐड किया हुआ है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसमें खाना भी है, दवाएं भी हैं, दौलत भी है, जूते भी हैं, कपड़े भी हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास एक मेज पे पड़े हुए हैं, समझे, एक टेबल पर हमारे पास खाना भी है, जूते भी हैं, पैसे भी हैं और कपड़े हैं और कुछ दवाएं मेडिसिन रखी हुई हैं। अब वन बाय वन लोग आ रहे हैं, आपने उन लोगों को चॉइस करना है कि किसको कौन सा देना है। ठीक है, अब जी आ रहे हैं पहले जिन लोगों को घरेलू अशिया की जरूरत है, जिन लोगों को घरेलू अशिया की जरूरत है आप उनको क्या देंगे। जी मैंने नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना, आपने खुद से अपने टेबल से उठाकर वही चीज उनको देनी है। सेकंड, जिसने गंदे कपड़े पहने हों, जिसने गंदे कपड़े पहने हुए हों आप उसको क्या देंगे। ठीक है, और नंगे पैर हो कोई, कोई आया आपके पास और उसके पांव में जूते नहीं हैं, नंगे पैर हैं, आप उसको क्या देंगे। अच्छा जी, और एक और कोई आए हैं वो है बीमार, बीमार आए हैं तो आप उनको क्या देंगे। जी ठीक है, बताना नहीं है किसी को भी, बिल्कुल नहीं बताना है। ठीक है, जिसके पास खाने को कुछ ना हो, जिसके पास खाने को कुछ ना हो हम उसे क्या दे देंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं बताना, जोर से नहीं बोलना है आपने। जी आपने खुद से मैच कर लेना है, आपके पास एक लिस्ट में चीजें हैं, दूसरी चीजों में, दूसरी लिस्ट में लोग हैं, आपने उसको मैच करके अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी है, और आपने क्या करना है, अपने टीचर को अपना पेज सेंड करना है, और आपने सोचना है कि आपने इसके अलावा क्या क्या चीजों के जरिए हम अपनी ज़कात अदा कर सकते हैं। कुरान शरीफ में बार बार जिक्र है अस्सलातु ज़काता वरकौ मराकीन, यानी आप अपनी नमाज कायम करें और ज़कात दें और रुकू करने वालों के साथ झुकें। ठीक है, अल्लाह ताला का ये हुक्म हमारे लिए बहुत, उस पर अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने वाला और दूसरों की मदद करने वाला बनाए। मिलते हैं चिल्ड्रन अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।